नमस्कार मित्रों, मरने के बाद हमारे साथ क्या क्या होता है, यह एक सबसे बड़ा रहस्य है। इन सब घटनाओं के विषय में गरुड़ पुराण में विस्तृत वर्णित हैं, परंतु कहा जाता है कि गरुड़ पुराण किसी की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, परंतु जिस घर में किसी की मृत्यु हुई हो वहाँ ज्ञान ध्यान की बातें कौन सुनेगा। इसीलिए अधिकतर राज्यों में गरुड़ पुराण का वाचन नहीं किया जाता है, जिस कारण यह रहस्य लोगों के लिए रहस्य ही रह जाता है। गरुड़ पुराण के प्रथम भाग में गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि जो मनुष्य भक्ति सत्कर्मों से वंचित रह जाता है, उसे आपका लोक अर्थात वैकुंठ कैसे प्राप्त होता है, जिन्होंने बुरे और नीच कृत्य अपने जीवन में किए होते हैं, उनकी मृत्यु कैसे होती है, उनकी जीवात्मा यमलोक तक कैसे पहुंचती है। विष्णु जी कहते हैं कि बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति को रोग हो जाता है, घर के लोगों द्वारा अपमानित होता है, मरते समय पापी के पांचों तत्व अपने स्थान छोड़ देते हैं, यमदूत के भय से उसके मुँह से झाग और लार गिरने लगती है, यमदूत की आंखें लाल व मुख भयंकर होता है, उसके हाथ में पास और दंड होता है, उसको देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करने लगता है। ऐसी अवस्था में जीव अधोचक्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल ही जाता है। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, जिसमें से 7 द्वार ऊपर हैं और 2 द्वार नीचे हैं। दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नथुने एवं एक मुख और नीचे के दोनों जननेन्द्रियाँ। जो आत्माएं अच्छे कर्म करती हैं वे ऊपर के द्वारों से निकलती हैं और मनुष्य से उच्च लोकों में जाती हैं। जो आत्माएं बुरी होती हैं अर्थात जिन्होंने मनुष्य योनि में बहुत बुरे कृत्य किए होते हैं, वे नीचे के द्वारों से निकलती हैं और मनुष्य योनि से नीचे के लोकों को प्राप्त करती हैं। और जो भगवत प्राप्त भक्त होते हैं उनके प्राण ब्रह्मरंध्र को फाड़कर निकलते हैं। इस वीडियो में हम पापी व सामान्य जीवात्मा के विषय में बात करेंगे। जीवात्मा अर्थात सूक्ष्म शरीर एक अंगूठे के बराबर होता है। स्थूल शरीर से जैसे ही सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, उसी क्षण यमदूत उसके गले में रस्सी बांध देते हैं। यमपास में बंधा हुआ जीव अपने घर की ओर देखता है। यमदूत जीव को बांधकर ऐसे ले जाते हैं जैसे किसी जघन्य अपराधी को ले जाया जाता है। यमलोक पृथ्वी से 10,32,000 किलोमीटर अर्थात 86,000 योजन दूर है। अतिवाहक शरीर द्वारा यह यात्रा आकाश मार्ग से कभी घसीटते हुए दौड़ाते हुए अतिशीघ्र की जाती है। मार्ग में यमदूत भयंकर गर्जन के साथ उसे नरकों में मिलने वाली यातनाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, अरे दुष्ट शीघ्र चल, तुझे जल्दी यमलोक पहुंचना है। आज हम तुझे कुंभी पाप आदि नरकों से होते हुए शीघ्र यमलोक ले जाएंगे। मार्ग में उसे कुत्तों से कटवाया जाता है। भूख और प्यास से पीड़ित जीवात्मा को यमदूत कौड़े से मारते हुए भयंकर धूप में गर्म बालू पर दौड़ाते हैं। वह थककर जगह जगह गिरता है, उठता है, कभी कभी पीड़ा से मूर्छित हो जाता है। वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अहंकारपूर्ण यमलोक ले जाया जाता है। कुंभी नरक इत्यादि नरकों की घोर यातनाओं को दिखाकर यम के दर्शन कराकर उसे पुनः आकाश मार्ग द्वारा मनुष्यलोक में यमदूतों के साथ भेज दिया जाता है। आगे की कथा हम अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाबा महाकाल आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।